नगर में कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर में निष्पक्ष जांच और एफआईआर निरस्त करने के संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुभाष बोहत के नेतृत्व में एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार सुमन बाथम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर 22 मई को क्राइम ब्रांच द्वारा भोपाल में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो कि एक जनप्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में एक नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाने का कार्य किया गया है। इस तरह सत्य का बोलना और स्वतंत्र भारत में अपने विचार रखना भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री पर की गई एफआईआर को निरस्त की जाए। इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व विधायक प्रतिनिधि भरत दीप मेहता, प्रदेश कांग्रेस के सचिव विनोद सेन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंसार खान, नगर अध्यक्ष अशोक यादव, नदीम जावेद, अवध शर्मा, संजय चौरसिया, बंटी सेन मौजूद रहे। सिरोन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। आज हमने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नायब तहसीलदार उनकी प्रतिनिधि मैडम यहां उपस्थित थी। हमारे समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे यादव जी अंसार भाई के नेतृत्व में हमने आज जो ज्ञापन यहाँ सौंपा है, हम समस्त कार्यकर्ताओं ने हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ जो FIR शिवराज सिंह चौहान जी ने कराई है वो पूरी तरह गलत FIR है। कमलनाथ जी ने केवल मध्य प्रदेश में मौतों के आंकड़ों को छुपाने की बात शिवराज सिंह चौहान द्वारा पाई जा रही है। शमशान घाट और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड के अनुसार वो मौतों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी को करना चाहिए। माननीय कमलनाथ के खिलाफ 2 धाराओं में 188 और 54 की धारा में जो FIR दर्ज की गई है उसके विरोध में आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिरोंज के नेतृत्व में, नगर कांग्रेस के नेतृत्व में आज जो ज्ञापन हम कार्यकर्ताओं ने सौंपा है। हमारी मांग है कि कमलनाथ जी के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए। अगर FIR वापस नहीं ली गई तो आगे कांग्रेस क्या रहेगा? इसके बाद हमारे कांग्रेस हाईकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कार्यकर्ताओं को जो भी निर्देश देगी उसका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। इसके बाद भी अगर FIR नहीं होती और कांग्रेस से हमें आदेश मिलता है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। आज जो ज्ञापन सौंपा गया किस उद्देश्य के लिए सौंपा है? हमने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिस तरह समस्त कांग्रेस साथी हमारे साथ हैं। हमारे मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी जो सरकार के को आईना दिखा रहे थे, जो सत्य बताना चाहते थे, उसके कारण से सरकार ने एक दबाव डालकर एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करके केस कायम किया है। कांग्रेस को चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम दबा दें। जो अभी हाल हमारे बहुत जी ने भाई साहब ने बताया है, जिस तरह से उन्होंने मृत्यु के आंकड़े, कोरोना के टाइम में जो दवाइयाँ कालाबाजारी हो रही है, जो धारा 188 के तहत जो कायम किया गया है केस, उसे वापस करना चाहिए। दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के खिलाफ केस कायम किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने झूठे प्रकरण कायम किए हैं और झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने गुमराह किया उनके खिलाफ और आदरणीय गृह मंत्री जी के खिलाफ, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, उसमें मांग की है कि हमारे मुखिया के खिलाफ जो केस कायम किया गया है उसे वापस लें और इन लोगों के खिलाफ केस कायम किया जाए। अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।